अस्सलाम वालेकुम भाई, एक अफसोसनाक खबर मिली है मुझे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे पता चला है कि यार वो पीपल्स चौरंगी की तरफ जो प्याला होटल है वहाँ पर हॉल टूटे हैं। तो मेरे दोस्त ने अभी, मेरे दोस्त की शादी थी दो दिन बाद, जो है ना उन्होंने हॉल बुक किया था। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, बड़े दिनों से जो है ना बेसब्री से इंतज़ार था और काफ़ी एक्साइटेड थे सब के जो है ना उनकी शादी में जाएंगे। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे बड़ा झटका पड़ा है। तो मैं अभी जाता हूँ वहाँ, देखता हूँ कि वाकई ये बात सच है या नहीं। चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यार ये बात सच है कि नहीं। अरे यार ये तो वाकई, ये देखें ये हॉल तोड़ दिए यहाँ पर, सारा हॉल तोड़ दिया। मुझे तो लगा कि ये अफवाह होगी, लेकिन यार ये तो वाकई सच की है। सर आगे चल के आपको दिखाते हैं कि आगे क्या 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 सीन है, आपको बना के दिखाते हैं। और मेरे दोस्त का नाम था शरीफ भाई, और शरीफ भी बेचारे बहुत ही एक्साइटेड थे। काफ़ी टाइम से उनकी शादी का भी इशू हो रहा था, नहीं हो रही थी शादी। ये देखिए हॉल, ये देखिए ये हॉल भी टूटा हुआ है। ओए ओए ओए, ये देखिए ये हॉल भी टूटा हुआ है। और ये सामने देखिए ये वाला भी टूटा हुआ है। पर अरे शरीफ भाई, शरीफ भाई मुझे कॉल किया, बड़े अफसोस के साथ बोला कि यार देखो बहुत सारे टूट गए शादी। यार घर में जो है ना इतने सारे लोगों को इनवाइट किया उन्होंने, और देखे ये देखे यार बड़ी परेशानी होगी। क्या हाल होगा उनके घर वालों का, आगे भी आपको दिखाते हैं। अब मुझे तो वो हॉल भी नहीं पता कि वो हॉल कौन सा था, नाम वाम सब मिट गए। ये वाला हॉल भी तोड़ दिया है, ये देखे वो ये भी सारे हॉल तोड़ दिए यार। इसमें से कौन सा हॉल था, ये देखे ये सामने वाला, ये भी टूटा हुआ है। तकरीबन हॉल तोड़ दिए यार, ये देखे ये पूरा पीपल्स चौरंगी का, ये देखे पीपल्स का प्याला होटल, ये पूरे हॉल तोड़ दिए। शरीफ भाई ये बेचारे बड़े परेशान। ये देखे सामने वाला हॉल, मुझसे काफ़ी दिनों से वो कह रहे थे कि यार जो है ना तुम्हें आना है मेरी शादी में। ये देखिए मेरी शादी में तुम्हें आना है, और जो है ना मेरी शादी है तकरीबन दो दिन बाद या तीन दिन बाद समथिंग ऐसी शादी होगी। और काफ़ी एक्साइटेड थे वो लोग सारे, उनके घर वाले। ये देखेंगे सामने सारे हॉल तोड़ दिए बड़े यार, समझ लो कि ये कब्रिस्तान बन गया यार, कब्रिस्तान बन गया। ये देखिए स्थान बन गया। अच्छा अब मैं ये सामने वाले रोड पे आ गया हूँ, यहाँ से भी आपको दिखाऊँ कि ये देखें सामने वाले रोड से क्या हाल है। ये देखें सामने वाले रोड से, ये देखें हॉल सारा तोड़ दिया है तकरीबन। ये देखें पूरा हॉल मतलब नामो निशान मिटा दिया, कब्रिस्तान बन गया, ये पूरा का पूरा कब्रिस्तान बन गया। ये देखें यार, जैसे मेरे दोस्त ने जो है ना हॉल बुक किया था, वैसे कई लोगों ने बुक किया होगा यार। क्या आलम होगा उनके घर वालों का, कितने परेशान होंगे वो लोग घर वाले, क्योंकि कार्ड बट जाते हैं, फिर सबको जो है ना इनवाइट किया जाता है और बड़ी अफरा तफरी होती है। और शरीफ भाई की शादी तो समझ लो कि यार बहुत ही ज़्यादा लेट हुई, क्योंकि वो बेचारे बड़े, उनकी शादी में बड़े मसले मसाइल हुए। उनकी शादी मतलब रिश्ते आते थे, फिर वो शादी उनकी रुक जाती थी, बड़ी परेशानी हुई थी उनकी शादी में। लेकिन अब देखो अब ये एक और नई मुसीबत आ गई, ये देखो हॉल टूट गया। अब तो मुझे याद भी नहीं है वो कौन सा हॉल था, ये तो नक्शे ही बदल दिए इन लोगों ने, कब्रिस्तान बना दिया। ये देखे सामने कब्रिस्तान बना दिया इन्होंने पूरा का पूरा, ये देखे सारी हालत बिगाड़ दी इन लोगों ने। क्या हाल होगा यार उन लोगों का जिन्होंने पे कर दिए होंगे, जिन्होंने खाने वालों को ऑर्डर किए होंगे, जिन्होंने कार्ड बांट दिए होंगे। क्या आलम होगा यार उनके घर वालों का, मुझे तो यकीन, मानो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे जब घर पे फ़ोन आया तो मैं भागा भाग, मैंने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, मैं भागा भाग आया, मैंने अपने कज़न को बोला कि चलो मेरे साथ, चलते दिखाते हैं, देखते हैं कि यार ये वाकई ये सीन है या नहीं। और शरीफ भाई के मेरे पास कॉल आई, बड़े बेचारे परेशान थे, रो रहे थे यार देखो ये सीन हो गया है। तो मैंने बोला शरीफ भाई कोई बात नहीं यार, मैं जाके देखता हूँ। उन्होंने बोला यार तुम क्या देखोगे,
मैं देख के आया हूँ और जो है ना मुझे फोन आया, उनके पास बकायदा बेचारे बड़े परेशान थे यार, बहुत ही परेशानी का आलम था। ये देखें मैं आपको सारी कवरेज दिखा रहा हूँ यहाँ की। ये देखें, ये है प्याला होटल से आगे। मतलब यार इंसान क्या करे, मतलब लाखों रुपए खर्च होते हैं यार, उतने मेहनत से बंदा कमाए और फिर उसके बाद एकदम जो है ना तोड़ फोड़ शुरू हो जाए। ये देखें, ये हमने सिग्नल क्रॉस किया, आगे देखते हैं कि आगे भी शायद टूटे हुए होंगे। ये देखें, ये टूटा हुआ, ये देखें, ये पूरा टूटा हुआ है। ये देखें सारे हॉल तोड़ दिए यार, जितने हॉल थे सारे तोड़ दिए। पता नहीं इन लोगों को नोटिस दिया होगा, हो सकता है नोटिस दिया हो, बिल में नहीं है, हो सकता है। लेकिन यार आजकल तो आपको पता है कराची में तोड़ फोड़ जारी है। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का हो रहा है कि शरीफ भाई ने मुझसे कुछ पेमेंट ली थी, बेचारे उनके पास आ रही नहीं हो रही थी पेमेंट, तो कुछ पेमेंट उन्होंने ली थी कि यार मैं जो है ना तुम्हें, बल्कि तुम मेरी शादी में आना और जो है ना वहीं पर जो है ना कुछ मैनेज करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्या सीन है क्या नहीं। तो बेचारे बड़े परेशान थे यार, मुझे तो हैरानी हो रही है, बहुत हैरानी हो रही है मुझे यार, बड़ी परेशानी हो रही है। ये देखिए, ये सारी कवरेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आगे का क्या आलम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर तो सारे हॉल टूटे हुए, सारे हॉल, मतलब कोई एक हॉल इन्होंने नहीं बचाया, जितने हॉल थे। अच्छा स्कूल इसमें बचे हुए, स्कूल जो घर हैं और शॉप्स वगैरह हैं वो बचे हुए, जितने हॉल्स थे वो टूटे हुए। या तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो हॉल्स थे वो अनलीगल थे, वो लीगल नहीं थे जब ही इन्होंने जो है ना तोड़ दिए, ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन ये फिर बाद में हम जब पता करेंगे तब पता चलेगा कि क्या रीज़न था। अभी तो हम जल्दबाजी में जल्दी जल्दी आ गए और हम देखना चाह रहे थे कि वाकई ये रिपोर्ट सच है या नहीं। तो यहाँ पर हम आगे चले तो ये देखें, यहाँ पर भी एक हॉल नज़र आ रहा है। ये देखें सामने वाला हॉल, ये देखें ये भी टूटा हुआ, ये भी तोड़ दिया है। देखिए सारे हॉल, जितने हॉल थे हम आपने आपको दिखा दिए, ये समझ लो कि ये आखिरी हॉल है और आगे हॉल नहीं है, ये आखिरी हॉल। ये देखिए